वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं ऑसम मूवी हिंदी एक्सप्लेन। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इसी साल 2021 में रिलीज हुई तमिल मूवी टेडिका, जिसे डायरेक्ट किया था शक्ति सौंदर राजन ने। मूवी के स्टार कास्ट में दिखे थे आर्या, आयशा, करुणाकरण और ये एक ड्रामा एक्शन एनिमेशन मूवी है। तो ज़्यादा वक्त गंवाते न हुए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। ये है श्री, जो अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी। श्री अपने कॉलेज फ्रेंड ऋषि से शादी करना चाहती है और उनके पेरेंट्स इसके खिलाफ है। उन्होंने श्री के लिए लड़का देखा है जो आज उससे मिलने आ रहा है। तभी गाड़ी का एक बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। श्री उसे बचाने की कोशिश करती है और बाइक हटाने के चक्कर में वो गिर जाती है और उसको चोट लगती है। तो श्री को उस बाइक वाले आदमी के साथ एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है, जहां वो एम्बुलेंस ड्राइवर बताता है कि यहां नज़दीक में कोई अस्पताल नहीं है, जो भी अस्पताल पहले आएगा वो इनको वहां छोड़ देगा। टीचर श्री को कहती है तुम जो भी अस्पताल में एडमिट हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और श्री को एक अस्पताल लाया जाता है जहाँ श्री के पास वाले बेड में एक बच्चा था जिसके पास एक टेडी बियर था। एक नर्स आके ग्लूकोज के बॉटल में इंजेक्शन लगा के वहाँ से चली जाती है। कुछ देर श्री उस टेडी बियर के साथ खेलती है, लेकिन अचानक ही श्री को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। और कुछ वार्ड बॉय आके श्री को वहाँ से ले जाते हैं और उसके हाथ पे स्कैनर बार कोड टैटू बनाया जाता है, जहाँ उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि श्री को इंजेक्शन लगा के कोमा में डाला गया है, जिससे वो सुन भी सकती है, देख भी सकती है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ देर बाद श्री को होश आ जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। और उस मार के कारण श्री लगभग मरने की हालत में आ जाती है। तो डॉक्टर उसे शॉक देके वापस कोमा के स्टेज पे ले आते हैं, लेकिन तब तक श्री की आत्मा उसका शरीर छोड़कर एक टेडी बियर में चली जाती है। श्री अपने आप को एक टेडी के रूप में देखकर चौंक जाती है। श्री देखती है कि कुछ वार्ड बॉय उसकी बॉडी लेकर कहीं जा रहे हैं, तो वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो एम्बुलेंस श्री की बॉडी लेकर चली जाती है और श्री उसे देखती रहती है। और ये है शिवा। शिवा की खास बात यह है कि जो कुछ भी वो एक बार देख ले वो उसे नहीं भूलता, वो उसके दिमाग में फिट हो जाता है। अपनी इस खासियत की वजह से वो लोगों की भी मदद करता है। अपने दोस्त के साथ मिलकर शिवा शेयर बाजार में कुछ मिनट काम करके अपना खर्चा निकाल लेता है। हालांकि शिवा की माँ उसकी शादी के लिए उस पर जोर डालती रहती है, लेकिन शिवा अकेला ही रहना चाहता है। उसे लगता है कि कोई उसकी ज़िंदगी में आए और उसे भी उससे लगाव हो जाए और बाद में कहीं वो उसे छोड़ के चला जाए तो वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वो सभी लड़कियों को रिजेक्ट करता रहता है। एक दिन रात को ट्रेन में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो शिवा उनकी पिटाई करके उस लड़की को बचा लेता है। तब उस ट्रेन में वो टेडी यानी कि श्री भी थी, तो शिवा अच्छा आदमी है ये सोचकर वो भी शिवा के पीछे पीछे उसके घर चली आती है। रात को शिवा टेडी देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये टेडी यहाँ कौन लाया। वो टेडी शिवा से बात करने लगता है तो शिवा चौंक जाता है, लेकिन शिवा अपने आप को समझाता है कि ये उसका वहम है। लेकिन शिवा का दोस्त आके उसे बताता है कि उसका वहम नहीं बल्कि सचमुच में ये टेडी बात कर रहा है, उसके अंदर किसी की आत्मा है। तब श्री शिवा को कहती है कि उसे उसके दोस्त ऋषि के वहाँ छोड़ दे, अब वो ऋषि के साथ रहेगी। तो शिवा उसे लेकर ऋषि के घर आता है, जहाँ ऋषि किसी और लड़की से डेट कर रहा था। ये देखकर श्री टूट जाती है। अब श्री ऋषि के कारण बहुत गुस्सा थी, तो शिवा उसे उसके घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन श्री अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी। जब शिवा श्री को उसके घर छोड़ के जाने ही वाला था कि उसे कुछ आवाज़ आती है और वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो श्री के पिताजी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। शिवा वहाँ पहली बार श्री को देखता है। श्री के पिताजी शिवा को बताता है कि श्री अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पर गई थी और उस दिन उसे देखने लड़का भी आने वाला था, लेकिन श्री के टीचर का फ़ोन आया कि श्री को चोट लगी है और उसे अस्पताल ले गए हैं। उन्होंने सभी अस्पतालों में श्री को ढूंढा, लेकिन उन्हें श्री का कोई पता नहीं मिला। कुछ दिनों बाद घर के बाहर एक पैकेट में श्री का आईडी कार्ड और खून लगे कपड़े मिले और एक बाप होने के बावजूद वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, इसलिए वो आत्महत्या करना चाहता था। शिवा उन्हें बताता है कि श्री मरी नहीं जिंदा है और वो उसे ढूंढ के लाएगा। श्री शिवा को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी के कारण श्री के पिताजी की जान बची और शिवा श्री को वापस ले आता है। शिवा श्री को बताता है कि कुछ केस में ऐसा हुआ है कि कोमा पेशेंट अपनी बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में प्रवेश करते हैं। शिवा श्री से उस हादसे के बारे में पूछता है, जैसे कि वो कौन सा अस्पताल था जहां उसे एडमिट किया गया था, एम्बुलेंस का नंबर वगैरह वगैरह, लेकिन श्री को कुछ याद नहीं था। शिवा से शादी करने एक लड़की उसे मिलने आती है, तो शिवा टेडी के साथ मिलकर उसे भगा देता है
अब शिवा को भी टैडी के साथ यानी कि श्री का साथ अच्छा लगने लगा था। शिवा श्री को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए थे और उसे लगता है कि कल की ही बात हो। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे छोड़ के चला जाए, इसीलिए उसके दोस्त भी कम है। शिवा टैडी को लेकर एक अस्पताल जाता है जहाँ श्री की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यह लड़की यहाँ एडमिट हुई थी। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो यहाँ नहीं आई, लेकिन शिवा समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। तो शिवा श्री को वहाँ बिठाकर अस्पताल में छानबीन करता है। तब श्री को वो नर्स वहाँ दिखाई देती है जिसने उसे ग्लूकोज में इंजेक्शन लगाया था और श्री उस नर्स के टेबल के नीचे छुप जाती है। दूसरी ओर शिवा अस्पताल में रिस्ट्रिक्टिव एरिया में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कार के बिना वो दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। शिवा टैडी को नर्स के टेबल के नीचे देख लेता है तो वो टैडी को फ़ोन करके पूछता है। शिवा ने टैडी को एक ब्लूटूथ लगाया था जिससे वो उससे बात कर सके। वो नर्स कार की मदद से दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है। जब वो वहाँ खाना खाने बैठी थी तब टैडी वहाँ चुपके से आता है और उस नर्स का कार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख लेती है और टैडी और उस नर्स की हाथापाई होती है। लेकिन श्री उसे चकमा देकर वो कार चुरा लेती है और कार की मदद से वो दरवाज़ा खोल देती है। दरवाजे की दूसरी ओर शिवा था। दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कि वहाँ कैमरे लगा हुआ है, तो वो अपना चेहरा कैमरे से बचाते और एक एक करके वहाँ के कैमरे तोड़ देता है। कुछ वार्ड बॉय उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं तो वो उन पे हमला करते हैं, लेकिन शिवा उनकी पिटाई करता है। श्री शिवा को उस जगह ले आती है जहाँ उन लोगों ने उसे रखा था। शिवा वहाँ स्कैनर और दवाइयाँ देख कर श्री को बताता है कि उसका किडनैप जानबूझकर किया गया था। जब शिवा उन वार्ड बॉय और नर्स से पूछता है कि क्या श्री जिंदा है, तो वो बताती है कि हाँ वो जिंदा है। एम्बुलेंस का ड्राइवर बताता है कि उसे मैप में एक लोकेशन भेजा गया था जहां उसने श्री की बॉडी को छोड़ा था। उसने वहां मिरर में देखा था कि कोई PCT क्लिनिक था जहां उसने उसे छोड़ा था। शिवा उस क्लिनिक जाके वहां के डॉक्टर से श्री की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो डॉक्टर बताता है कि वो यहां नहीं आई और डॉक्टर भी सच बोल रहा था। शिवा उस स्कैनर की मदद से सभी बार कोड निकालता है और सोचता है कि आखिर ये कोड किसके हो सकते हैं। तब शिवा सोचता है कि शायद ये 16 डिजिट में आखिर के नंबर शायद डेट के हों, तो वो लेटेस्ट डेट के स्कैनर कोड निकालते हैं। जहाँ शिवा को याद आता है कि उस क्लिनिक के पास एक कुरियर कंपनी थी, तो शिवा और उसका दोस्त श्री को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसको एक मोबाइल देते हैं जिससे वो उनसे बात कर सके और उसका लोकेशन शेयर कर सके। शिवा उस बॉक्स पे वो स्कैनर कोड चिपका के उस कुरियर कंपनी जाता है जहां वो उस कोड को स्कैन करके वो बॉक्स ले लेते हैं और उसको कंटेनर में रख देते हैं। जहाँ शिवा और श्री की बात चल ही रही थी, कंटेनर बंद करते हैं, उनकी बातचीत भी बंद हो जाती है। शायद उस कंटेनर में जैमर लगे थे, तो शिवा उस कंटेनर का पीछा करता है। श्री भी उस बॉक्स में परेशान थी। पीछा करते करते रात हो जाती है और शिवा भी उस कंटेनर का पीछा कर रहा था। वो कंटेनर एक जगह आके रुकता है तो शिवा उसे खोलते देखता है, लेकिन उसमें कोई बॉक्स नहीं था। तो शिवा को याद आता है कि उसने कहीं पर वो कंटेनर मिस कर दिया था। तभी श्री का फ़ोन आता है, लेकिन कोई उस पर पीछे से हमला कर देता है। श्री अपना लोकेशन शिवा को भेज देती है। दूसरी ओर शिवा उन गुंडों की पिटाई करके उस जगह पहुंचता है जहां शिवा एक डॉकयार्ड पहुंच जाता है, लेकिन शिवा के आने से पहले वो कंटेनर दूसरे देश जाने के लिए रवाना हो जाता है जिसमें वो टैडी वाला बॉक्स भी था। और वो शिप कई देशों में कंटेनर में भरे बॉक्स की डिलीवरी करेगा और यहां मूवी का इंटरवल होता है। शिवा अपने दोस्त से सारे शेयर बेचने को कहता है और वो शिप जहां जहां जाएगा उसका एक मैप बनाता है और अपने दोस्त को बताता है कि वो इन सारे देशों में जाएगा और श्री को ढूंढेगा। और सीन कट होके आता है अजरबैजान जहां कुछ लोग कंटेनर से सामान उतार रहे थे, जहां वो बॉक्स में टेडी बियर देखकर उसे फेंक देता है और कॉफिन टेम्पो में रख देता है। श्री बॉक्स में से बाहर निकलती है और एक जगह छुप के उन लोगों के फोटो खींच लेती है। अब श्री का इस देश में कोई था नहीं, तो वो एक भिखारी के पास बैठ जाती है जो कि अंधा था, और उसका मोबाइल लेके अपने फेसबुक आईडी से लॉगिन करके वहाँ का फ़ोटो खींच के अपने लोकेशन के साथ शिवा को भेज देती है। तो शिवा उसे लेने आता है और प्लेन में उसकी मुलाकात कार्तिक से होती है जो इंडियन एम्बेसी में काम करता था। शिवा कार्तिक को लेके उसी जगह पहुंचता है जहां से श्री ने फोटो और लोकेशन भेजा था। शिवा कार्तिक को बताता है कि वो एक टैडी को ढूंढने यहां आया है जिसके अंदर किसी की आत्मा है जो टैडी बोलता है, लेकिन कार्तिक उसे मजाक समझता है। वहां रोड की दूसरी ओर वो अंधा भिखारी जो कि अंधा नहीं था देख सकता था। वो टैडी को बताने की कोशिश करता है कि जिसको तुमने मैसेज किया था वो आदमी रोड के उस पार है, लेकिन उसकी भाषा श्री समझ नहीं पाती और टैडी और
शिवा के बीच एक टेम्पो खड़ा हो जाता है, जिससे टेडी शिवा को देख नहीं पाती। और जब वो शिवा को देखती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवा गाड़ी में बैठकर चला जाता है और गाड़ी में जोरों से म्यूजिक बज रहा था, तो शिवा श्री की आवाज़ सुन नहीं पाता। तो श्री चालू गाड़ी के पीछे चढ़ जाती है और जैसे तैसे करके वो शिवा से मिलती है। एक बोलता टेडी देखकर कार्तिक चौंक जाता है। श्री शिवा को उन लोगों की फ़ोटो दिखाती है जो उसने खींची थी, जिसमें से एक आदमी के हाथ पे टैटू था। कार्तिक शिवा को बताता है कि ऐसा टैटू यहाँ के लोकल गैंगस्टर रखते हैं। और कार्तिक शिवा को और टेडी को लेकर उस जगह पहुँच जाता है जहाँ वो लोकल गैंगस्टर मिलेगा। वहाँ एक दूसरे गुंडे को श्री की फ़ोटो दिखाकर शिवा पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ आई थी। श्री उस आदमी को पहचान लेती है जिसने कॉफिन अपने टेम्पो में चढ़ाया था, और वो ये देखकर भागने लगता है। लेकिन शिवा उसे पकड़ लेता है और उसे श्री के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। वो उस आदमी का नाम बता देता है जिसने उसको ये काम सौंपा था, और ये है वो आदमी जिसने उस गैंगस्टर को ये काम सौंपा था। शिवा उसका पीछा करता है, लेकिन उसको पता चल जाता है। तो वो शिवा से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हमारे बारे में जान गए हो, तुम हमारे लिए परेशानी कर सकते हो। तो वो शिवा पे हमला करवाता है, लेकिन शिवा उन दोनों को मारता है और श्री के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि ये कोई किडनैपिंग का मामला नहीं है, ये एक ह्यूमन ऑर्गन का मामला है। बाहर से लाई गई बॉडी में से वो किडनी और लीवर निकाल लेते हैं, और अब वो लड़की जिंदा भी है या नहीं वो उसे नहीं पता। उसको पेमेंट भी बिटकॉइन में मिलता है। इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल कर शिवा और श्री वहाँ से चले जाते हैं। शिवा श्री को बताता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप रेयर है, जो कई आदमियों में से एक का ही ब्लड ग्रुप होता है। शायद तुम्हारे कॉलेज आईडी में से उन लोगों ने तुम्हारे ब्लड ग्रुप का पता लगाया और तुम्हें किडनैप किया। चलिए अब मूवी के विलन से भी मिल लेते हैं। ये है डॉक्टर वरदराजन, जो ये सब धंधे करता है। उसको पता चलता है कि चेन्नई के अस्पताल में किसी आदमी ने घुसकर कैमरा तोड़कर वहाँ की तहकीकात की है, तो वो चेन्नई के उस अस्पताल के सारे ऑर्डर कैंसिल करवा देता है और साइक्लोन रिलीफ फंड में डोनेशन भी देता है, जिससे उसका नाम न बिगड़े। वो चेन्नई के उन सभी नर्स और वार्ड बॉय को मारने को कहता है ताकि उसका नाम कहीं ना आए। दूसरी ओर उस आदमी को एक और डेड बॉडी पहुंचाने का काम मिलता है, तो वो शिवा के साथ मिलकर श्री को उस डेड बॉडी के स्ट्रेचर के नीचे छुपा देता है। और वो एम्बुलेंस एक जगह पहुँचती है जहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। श्री अंदर जाके देखती है तो वहाँ एक दो नहीं, 100 से ज़्यादा आदमियों ऐसे ही कोमा में रखा गया था। श्री वहाँ चुपके से देखती है तो उसकी बॉडी भी वहाँ थी। वो एम्बुलेंस जब वापस आती है तो शिवा उसे रोक लेता है, जिसमें श्री के साथ एक और लड़की थी। जब वो लोग उसे घर लाते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की की किडनी निकाल दी गई थी। जब वरदराजन को इस बात का पता चलता है तो वो उस ट्रांसपोर्टर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं जिसने शिवा को और श्री को मदद की थी, और उसे मार दिया जाता है। कार्तिक शिवा को अपने बॉस से मिलवाता है और उनको श्री के बारे में और ह्यूमन ऑर्गन के धंधे के बारे में बताता है। पहले तो वो इसको मजाक समझ लेता है, लेकिन जब वो एक बोलता टेडी देखता है तो उन्हें मदद करने के लिए राजी हो जाता है। और उनको एक लेडी पुलिस ऑफिसर से मिलवाते हैं जिसका नाम सारा है, और उनके साथ वहाँ के लोकल डॉक्टर थे। तो वो एक प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक शिवा वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बहाने वहाँ जाएगा और उनके धंधे का पर्दाफाश करेगा। तो शिवा किडनी ट्रांसप्लांट के बहाने अस्पताल पहुँच जाता है, जहाँ सारा उसे बताती है कि उसे दवाइयों के नाम, डॉक्टर के नाम सभी कुछ याद रखना होगा, जिससे उनको मदद मिल सके। शिवा ऐसा ही करता है, लेकिन दवाइयों की वजह से शिवा की हालत बिगड़ रही थी। एक नर्स आके शिवा को बताती है कि किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर मिल गया है। तो शिवा को एम्बुलेंस में दूसरे अस्पताल ले जाया जाता है। शिवा एम्बुलेंस में रास्ता याद रखने की कोशिश करता है। अब शिवा को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, तो उसे कुछ हो जाए इससे पहले कार्तिक का बॉस उस अस्पताल में पुलिस रेड के ऑर्डर दे देता है। उस अस्पताल में शिवा से मिलने डॉक्टर वरदराजन पहुँचता है और शिवा को बताता है कि उसे पता है कि तुमने ही अस्पताल में कैमरा तोड़े थे और पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन थोड़े समय बाद वो उसे ऑपरेशन करने के बहाने मार देगा। जब पुलिस उस अस्पताल में रेड करती है, लेकिन शिवा उस अस्पताल में नहीं था। ये बात सुनकर सारा और कार्तिक भी चौंक जाते हैं, मतलब शिवा को किसी और अस्पताल ले जाया गया था। अब शिवा की हालत काफ़ी नाजुक थी। सारा शिवा को बचाने के लिए अपने बॉस से मदद मांगने जाती है, लेकिन तब वो वहाँ नहीं था। तो सारा उससे वीडियो कॉल के जरिए बात करती है, लेकिन एक आदमी पीछे से आके सारा को मार देता है। तब श्री भी वहाँ थी और ये सब देख रही थी, मतलब कि सारा का बॉस और वरदराजन एक दूसरे से मिले हुए थे, और सारा का बॉस भी वहीं दूसरे रूम में ही था। वो सारा के मरते ही वहाँ आता है। अब श्री पूरा माजरा समझ गई थी।
तो श्री चुपके से वहाँ से निकल जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तब कार्तिक भी वहाँ आता है और सारा के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताता है कि वो उससे मिलने नहीं आई। कार्तिक उसे शिवा के बारे में बताने ही वाला था कि श्री के इशारे करने पर वो चुप हो जाता है। दूसरी ओर शिवा को दूसरे अस्पताल एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है। श्री उस एम्बुलेंस का पीछा करके उस एम्बुलेंस के पीछे चल जाती है। ये वही जगह थी जहाँ श्री पहले भी आई थी। श्री उन सिक्योरिटी गार्ड वालों से बच के वहाँ अस्पताल के अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि शिवा को वहाँ लाया गया है और उसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। उनके जाने के बाद श्री शिवा को जगाने की कोशिश करती है और उसको ऐसा करते हुए एक गार्ड उसे कैमरास के जरिए देख लेता है, तो वो अंदर जाता है। तभी शिवा को होश आ जाता है और उस गार्ड को बेहोश कर देता है। वहाँ एक खुली पिस्तौल पड़ी हुई थी, शिवा उसे फिट करता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आते ही वो कार्तिक को भी साथ ले लेते हैं और कार्तिक पुलिस को फ़ोन करके उस जगह का पता बता देता है जहाँ लोगों को कोमा में रखा गया था। अब शिवा कार्तिक के साथ मिलकर उस अस्पताल का पता लगाता है जहाँ उसे रखा गया था। वो सूरज की रोशनी और गाड़ी के घुमाव से उस जगह का पता लगा लेता है और कार्तिक, शिवा और श्री उस जगह पहुँचने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसी जगह श्री का ऑपरेशन होने वाला था। शिवा और श्री उस अस्पताल के बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर श्री को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ श्री और शिवा की कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई होती है और उस लड़ाई के दौरान वो लोग शिवा पे गोली चलाते हैं, तो श्री वो गोली अपने आप पे ले लेती है और उन गुंडों से लड़ती है, लेकिन वो गुंडे श्री को मारने लगते हैं, लेकिन शिवा उसे बचा लेता है। तभी श्री को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि उसका अंतिम समय आ गया है, तो वो शिवा से अपने प्यार का इजहार कर देती है और अब टेडी बेजान हो जाता है। दूसरी ओर आई लव यू कहते ही श्री की आँखें भी भर आती हैं। शिवा को सीसीटीवी कैमराज में ऊपर आता देख वरदराजन का आदमी वरदराजन को ये बात बताता है, जो कि वहाँ श्री का ऑपरेशन कर रहा था, तो वो ऑपरेशन छोड़ के बाहर चला आता है। तभी उसको शिवा मिलता है, लेकिन शिवा उसे पहचान नहीं पाता, तो वो श्री को बचाने के लिए भागता है। तभी उसको याद आता है कि डॉक्टर वरदराज ही वो आदमी है, तो वो वापस उसे पकड़ने भागता है। उन दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन शिवा उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और अंदर जाके वो श्री का ऑपरेशन रोक देता है और श्री को एक दूसरे अस्पताल लाया जाता है, जहां कार्तिक शिवा से कहता है कि सभी लोग पकड़े गए, लेकिन डॉक्टर वरदराजन भाग निकला, उसका कोई पता नहीं चला। दरअसल शिवा ने डॉक्टर वरदराजन को पकड़ लिया था और उसे कोमा का इंजेक्शन देके एक कंटेनर में बंद कर दिया था, जिससे वो भी दूसरों की तकलीफें समझ सके। जब श्री अस्पताल से बाहर निकलती है तो वो शिवा को पहचानने से इनकार कर देती है। फ्लाइट में भी शिवा और श्री दोनों साथ ही थे, लेकिन श्री उसकी ओर देखती भी नहीं, और ऐसा करते हुए एक साल गुजर जाता है। शिवा ने टेडी की तस्वीरें अपने रूम में लगा रखी थी। टेडी के जाने से वो दुखी था, लेकिन तभी एक दिन ट्रेन में श्री शिवा को देखती है। दरअसल उसे सब कुछ याद था, वो जहाँ भी शिवा जाता था उसका पीछा करती थी। जब शिवा उसके घर पहुँचता है तो वो देखता है कि श्री ने उसकी तस्वीरें दीवार पर सजा कर रखी थी और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। मूवी की एंड में दिखाया जाता है कि टेडी की आँखें झपकती है और वो शिवा को आवाज़ लगाता है और शिवा चौंक जाता है और मूवी खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।